बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे जालौन अवाम पैनल के सीनियर रहनुमाओं, हॉल में बैठे हुए जालौन अवाम पैनल के वर्कर्स, मोजिस साफी हजरात, जालौन अवाम पैनल वो तहरीक है जो कि शोदा की कुर्बानियों और उनकी जो उन शोदा ने कुर्बानी दिए उनको उनकी कुर्बानियों को राय हक के लिए ये तहरीक बना है। तो कुछ हमारे तहरीक चूँकि हक के राय रास्त पर है, हमने वतन अजीज़ के लिए कुर्बानियाँ ज़्यादा दी हैं, तो कुछ इश्यूज़ जाहिर सी बात है जो हक पर होता है तो मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ प्रोपेगेंडे भी करते हैं। तो हमारे कायद के ऊपर गुज़िश्ते कुछ दिनों से लश्कर बलूचिस्तान के सियासी विंग के सरबरा सरदार अख्तर मेंगल और इनके ज़र खरीद वर्कर्स जान मोहम्मद गुरगड़ानी नामी शख्स के अगवा को लेकर जालौन अवाम पैनल के कायद मीर शफीकुर्रहमान मेंगल की ज़ात पर कीचड़ उछालने और उनकी किरदार कशी की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मीर साहब और उसका ख़ानदान कई पुश्तों से ऐसे हथकंडों का मर्दानावार मुकाबला करते रहे हैं और ये सब इनके लिए नई चीज़ नहीं, मगर हम आप साफी हज़रात के तवसुत से दुनिया के सामने अख्तर मेंगल के गिरगिट की तरह बदलते रंग को आश्कार करना चाहते हैं। इस सिलसिले में मुझे जालौन के एक मुतबर सरदार के अल्फाज याद आ रहे हैं। उन्होंने एक नजीमे फिल्म में कहते कि दुबई लंदन में सरदार अख्तर मेंगल अपने भाई जावेद मेंगल और भतीजों के सामने आखिरी दर्जे के इंकलाबी बन जाते हैं। वतन अजीज पाकिस्तान के ऐवानों में अपनी जगह पक्की करने के लिए एक बासूल जमहूरी सियासतदान का रूप धारने की कोशिश करते हैं। बलूचिस्तान के बाकी इलाकों में आला दर्जे के बलोच कॉम्प्रेस नज़र आने की अदाकारी करते नज़र आते हैं, जबकि वर्ल्ड में अपने असली रूप यानी एक कासिब जालिम जाबिर सरदार का रूप धार लेते हैं। इस रूप में वो आम मेंगल के नहीं बल्कि अपने चचा मेरुल्ला खान की ज़मीनें जायदादें तक डाका डालने से गुरेज नहीं करते। जहाँ तक जान मोहम्मद गुरगनाड़ी के अगवा में जालौन पैनल के कायद का जिन लोगों के साथ नाम जोड़ा जा रहा है, पहली बात यह है कि पूरे इलाके को मालूम है कि गुज़िश्ते कई बरसों से मीर साहब का इन लोगों से कोई सियासी और कबाइली ताल्लुक नहीं रहा है। अगर सरकार की जानिब से की गई तहकीक और कार्रवाई में कोई भी मुलव्वस पाया जाता है तो सरकार कानून के मुताबिक इसे सजा देने का हक महफूज रखती है। अगर महज रिश्तेदारी के बिना पर किसी को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है तो अख्तर मेंगल कि मुंशी और नामनाद एमपी अकबर मेंगल के साथ भी इनका इतना ही करीबी व खूनी रिश्ता है। तो कायद जालौन अवाम पैनल के साथ अकबर मेंगल का भी नाम क्यों नहीं लेते? दूसरी बात, हम अख्तर मेंगल को चैलेंज करते हैं कि अगर वो अपनी ट्वीट में मीर साहब का नाम जोड़ने की कोशिश की है तो फिर इसी असूल के तहत अख्तर मेंगल भी अपने भतीजों और अरब अरमरी के बांझों बावल मेंगल और नूरदीन मेंगल के गुनाहों और जराइम का बोझ अपने कंधे पर लें और मीठा मीठा हिप हिप कड़वा कड़वा तू तू न करें। मोजिस साफी हजरात, हमने पिछली दफ़े भी ये गुजारिश की थी, आप लोग कुछ दिन निकालें, निकाल कर बग़ैर किसी को इतला दिए वड में चंद दिन गुजार दें। तो मरूम नूरुल इस्लाम मेंगल से लेकर मरूम टकरी अब्दुल गफूर लांगव और हिंदू बिरादरी की संजीदा लोग आपको अख्तर मेंगल उसके गुंडों का इस रूप से अच्छी तरीके से दिखा देंगे। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से क्वेटा के जलसे में राशिद बरोई जैसा दहशतगर्द जो कि चाइनीज़ कौंसुलेट पर हमले का मास्टरमाइंड था, इसकी तस्वीर को स्टेज पर आवेजा करने और इसके लिए आंसू बहाने के बाद जब इस मुल्क के करता दर्ताओं को इसका असल चेहरा नज़र आने लगा तो इसने अपनी खिफत मिटाने और इदारों को एक बार फिर ब्लैकमेल करने के लिए इस वाक़े को डाल बनाकर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की। जहां तक खिलाई मखलूक की बात
बात है तो जब एफसी कैंप वर्ड में 14 अगस्त को आपकी पार्टी के करता धरताओं को मधु करें तो खिलाई मखलूक अच्छा, जब खुशदार कैंट में आप लोग टी ब्रेक्स करें तो खिलाई मखलूक अच्छा, जब आपको इस्लामाबाद और पिंडी बुलाकर मीटिंग्स की जाए तो खिलाई मखलूक अच्छा, जब पंद्रह अरब के पैकेज के नाम पर आपको सियासी रिश्वत दी जाए तो इनसे बेहतर कोई नहीं, मगर जब ये आपकी असलियत और बैरूनी ममालिक आपके रबतों की खुले खुलने के बाद आपको आपकी औकात दिखाएं तो ये खिलाई मखलूक मुजरिम ठहरती है। मोज़े साफ़ी हज़रात, जालावान के बाशूर अफराद इस बात की गवाही देंगे कि जालावान के अमन और इसमें बसने वाले समाज दुश्मन अनासिर चोरी और अगवाकारी में मुलविस अफराद के खिलाफ जालावान पैनल और इसके कायद मीर शफीकुर्रहमान मेंगल ने न सिर्फ आवाज़ उठाई है बल्कि अमली तौर पर अपनी बसात के मुताबिक इनका रास्ता रोकने के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करते हुए अपने कबीले और ख़ानदान के बहुत से लोगों को नाराज़ किया है और इस नाराज़गी का फ़ायदा अख्तर मेंगल ने इलेक्शन के दिनों में वोट की सूरत में भरपूर उठाया है। हम आज एक दफ़ा फिर कहते हैं कि जानवर गुरगनाड़ी के अगवा में मुलविस अनासर का ताल्लुक वह किसी भी कबीले ख़ानदान या सियासी पार्टी से हो वो किसी रियायत के मुस्तक नहीं और इनकी निशानदेही करना और उन्हें कानून के गिरफ्त में लाना हुकूमत वक्त का काम है। हम किसी सरदार को इजाज़त नहीं देंगे कि वो खुद मुद्दई गवाह और मुनसिफ का किरदार अदा करते हुए इस वाक़े के आड़ में अपने सियासी मुखालिफीन को निशाना बनाए। हम इस प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर ये बताना चाहते हैं कि अगर इस अगवा या इस तरह की किसी भी सरगर्मी में ऐसे गलत काम हो जो भी मुलविस पाया जाता है तो जालावान अवामी पैनल उससे लातालुकी का ऐलान करते हैं और इनके इनफरादी कौल फैल के ज़िम्मेदार नहीं हैं। इसके साथ साथ हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अख्तर मेंगल भी इखलाकी जुरात का मुजाहरा करते हुए अपने भतीजों और लश्कर बरुस्तान के करता दरता अपने भाई जावेद मेंगल से बरमला तौर पर लातालुकी का ऐलान करेंगे। बसूरत देगर हम ये समझने में हक बजानब होंगे कि लश्कर बलोस्तान के आतूँ मासूम असातज़ा डॉक्टरों इंजीनियरों मज़दूरों और सिक्योरिटी फोर्सेस के खून से अख्तर मेंगल के हाथ भी पूरी तरह रंगे हुए हैं। वसलाम पाकिस्तान बलोस्तान पाइंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। देखिए सर, इसमें यह है कि एक तो ये कि जाम अहमद वो शख्स है कि जो कि अख्तर मेंगल साहब के पर्सनल सेक्रेटरी समझे या टोटल जितने माइंस चल रहे हैं उनके जो है टोटल ज़िम्मेदारी उनके साथ है। तो एक दो महीने पहले भी इसको मेंगल कोर्ट में दो महीने से इसको बंद किया रखा हुआ था। अभी ये ड्रामा खुद रचा रहे हैं क्योंकि हम एक मजलूम मुतवसित तबके से, हमारी जमायत हमारी कायद जालावान पैनल के कायद, तो ये वक्तन फवक्तन जैसे वो हिंदू नानक राम का कत्ल हुआ था उन लोगों ने रोड ब्लॉक किया था, फिर हमने धरना किया रोड ब्लॉक किया वो पकड़े गए, तो इस बात की जो है डीसी तुफेल साहब ये ऐन गवाह हैं कि वीडियोस भी उनके निकले कि वो किसके बंदे निकले उन्हीं के। तो ये हम लोगों को हमारे कायद को हमारे तहरीक को जेर करने के लिए वक्तन फवक्तन ऐसे ड्रामा रचाते हैं। तो इसमें हमारे ट्वीट में कायद जालावान पैनल का नाम लिया गया, तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ही यही है कि ऐसे प्रोपेगेंडा से हम कभी खामोश नहीं होंगे ना हमारी तारीख ख़त्म होगी। और उनके सोशल मीडिया में आप लोग देखे होंगे कि ज़िले सदर ने एक और बयान दिया था कि बीजन जो कबीले के चंद मोहतबरीन का नाम लिया था जब रोड ब्लॉक था, फिर इन लोगों ने ट्विटर में इनके कायद ने अपना बयान ये चेंज कर दिया कि जी फिलाम बंदे हैं। देखिए एक आपका ज़िले सदर एक ज़िम्मेदार बंदे का अलग बयान भी आ रहा है और कायद का अलग आ रहा है, तो ये हर वक्त कोशिश इनका यही कि इनको सियासी तौर पर कैसे दबाए क्योंकि मीर साहब ने वहाँ 15,000 वोट लिए थे। तो आप लोगों को पता है कि ये सरदारी और ट्राइबल सिस्टम, ये पहले सरदारी निज़ाम में लोगों को फंसा रहे थे दबा रहे थे, तो इन लोगों ने अभी जदीद तरीके से जी वोट के तरीके से अपने आप को मुसलत किया हुआ है हमारी तो मुतवसित तबके के ऊपर
जो इनके खिलाफ जिस इलाके में भी हो, वट के अलावा आप डेरा बुगटी की मिसाल ले ले, जिधर भी है कोई इनके खिलाफ पॉलिटिकली अगर आवाज़ उठाता है तो ये क्या करते हैं, उसके ऐसे ब्लेम लगाते हैं उसको दबाने के लिए कि बिल्कुल जहर हो जाए, हमारे जहर तसल्लुत हो जाए।